हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का सुनीता किचन में स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ गणेश चतुर्थी के प्रसाद के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा कर ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने नारियल का लड्डू बनाने के लिए एक कटोरी नारियल कद्दू कस कर लिया है, आधी कटोरी किशमिश, आधी कटोरी काजू, एक छोटी कटोरी चिरंजीव, आधी कटोरी बादाम लिया है। मैंने काजू रोस्ट करने के लिए डाल दिया है, अब मैं इसको रोस्ट करूंगी। बिना घी के करूंगी। मेरा काजू रोस्ट हो गया है, अब मैं एक थाली में इसको निकाल लूंगी। अब हम बादाम को भी रोस्ट करेंगे। अब हमारी बादाम रोस्ट हो गई है, इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। अब हम अपना चिरंजीव भी रोस्ट करेंगे। सभी को मैं दो दो मिनट बस रोस्ट की हूँ, आप भी दो ही मिनट रोस्ट करना। इसे भी हम थाली में निकाल लेंगे। अब हम नारियल भी थोड़ा सा रोस्ट। इसे भी हम थाली में निकाल लेंगे। अब हम इसे दो मुट्ठी मखाना लेंगे, इसे भी रोस्ट कर लेंगे, ये ऑप्शनल है। अब इसे भी हम एक थाली में निकाल लेंगे। अब हम मखाने को मिक्सी जार में पीस लेंगे। इसे हमें ज्यादा महीन नहीं पीसना है, इसे हमें दरदरा ही पीस के लेना है। इसी तरह हम सभी को पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने खोया ले लिया है, दो कटोरी खोया है। मैंने यहाँ टोटल दो कटोरी और आधा कटोरी खोया लिया है और सभी को हम मिलाएंगे। मैंने यहाँ एक कटोरी शक्कर पाउडर लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। हाथ में हम थोड़ा सा घी लगा के लड्डू को बांधेंगे। इसी तरह से हम सभी लड्डू को बनाएंगे। देखिए दोस्तों, जितना हमने सामान लिया था उतने में हमारा 1 से 1.5 किलो प्रसाद का लड्डू बनकर तैयार है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।